नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रिस्टिक। आज मैं बात करने वाला हूँ जावा में अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, क्यों यूज होता है जावा में, ये सारी चीज़ें आज हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मेरी वेबसाइट है prestigtechtuts.wordpress.com। यहाँ पर आपको जावा के सभी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे टेक्स्ट रूप में, जो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरे जो YouTube चैनल ब्रिस्टेक है, आप इसमें जावा के सभी ट्यूटोरियल्स पाएंगे और टेक्निकल रिलेटेड सारी वीडियोज आपको मिलेंगी। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज होता है जावा में, जावा में अब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करने का पर्पज क्या होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है पिछले ट्यूटोरियल में फाइनल क्लास क्या होते हैं, तो फाइनल क्लास का मीन्स ये होता है दोस्तों कि जब हम कोई किसी क्लास को एक बार फाइनल बना दिए तो उसे हम दूसरे क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, यानी एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, उसके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जब हम जावा में फाइनल क्लास बना लिए और उसे एक्सेस नहीं कर सकते तो कुछ ऐसी ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे परिस्थिति होते हैं जब हमको किसी भी क्लास को इनहेरिट करना होता है और कंपलसरी होता है कि उसे इनहेरिट करना ही है, तब हम क्या यूज़ करते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हम सिंपल सा उदाहरण के साथ समझते हैं कि जब किसी क्लास को फाइनल क्लास बनाने के बाद, देखिए कैसे बनाते हैं क्लास में, जैसे हमने क्लास बना दिया एम्प्टी नाम से, ठीक, एम्प्टी नाम से बना दिया, ये सिंपल क्लास है, ठीक ना, तो ये अब्स्ट्रैक्ट है ना तो फाइनल है, ठीक। जब हम इसे फाइनल क्लास बनाएंगे तो इसके पहले हमको फाइनल कीवर्ड यूज करना होता है, ये कीवर्ड है। तो इसका काम क्या होता है कि इस क्लास को, एम्प्टी नाम के क्लास को दूसरे क्लास में, जैसे क्लास मेन, इस क्लास में हमको एक्सटेंड करना है, ठीक। तो हम इस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसके जो मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी मेथड बना देता हूँ, फंक्शन बना देता हूँ, वॉइड डेटा, ठीक ना, वॉइड गेट डाटा, ठीक। तो इसको हम अगर चाहें तो इसको हम यहाँ इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसकी परिभाषा यही देनी होगी, ठीक, इसकी परिभाषा हम यही दे देंगे, तो इसको इनहेरिट करने की जरूरत नहीं होती ना, तो ये इनहेरिट करेंगे भी तो भी नहीं होगी, फाइनल क्लास ये कहता है, ठीक। और फाइनल क्लास का मीन्स हमने समझा कि जब हम किसी क्लास को किसी दूसरे क्लास में एक्सटेंड करते हैं, इनहेरिट करते हैं, ठीक, तो ये चीज़ क्या होगी, ये गलत मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी मतलब कि इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसकी परिभाषा हमको यहीं पे देनी होगी, उसी क्लास में जिस क्लास को हम फाइनल बना रहे होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास की। तो जब हम इसे अब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, ठीक, ये बात हुई फाइनल क्लास की। फाइनल क्लास सिर्फ ये कहता है दोस्तों कि जब किसी क्लास को हम फाइनल बना देते हैं, फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर देते हैं उस क्लास को या उसके मेथड को, ठीक, तो हम उसे किसी दूसरे क्लास में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, कैसे, जैसे इसके मैंने वेरिएबल्स ले लिए, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं हम, इसके बाद मेथड हमने बनाया, ये भी फाइनल क्लास है, ये फाइनल क्लास के अंदर हमने फाइनल मेथड बनाया, फाइनल सो नाम से भी मेथड बना दिया, ये एक सो नाम का मेथड है, ठीक। और इसकी हमने परिभाषा क्या दे दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक। अब इसमें हम कोई भी मैसेज दे सकते हैं, वैल्यू जो भी हम चाहे मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, और इसके बाद ये हमने फाइनल मेथड को क्लोज कर दिया, फिर क्लास को, ठीक। अब इसको हम दूसरे क्लास में अगर एक्सटेंड करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसकी परिभाषा यहीं पे देनी होती है और इसी की ऑब्जेक्ट भी बनेंगे, ठीक।
और अब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या फीचर होती है, अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये फाइनल क्लास समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी समस्या है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट में बताइए, मैं दूसरा इसका एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास देखते हैं। तो जब हमको अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना होगा, तो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ हम डिक्लेयर करते हैं जब अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, या अब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ साथ उसके मेथड्स, वेरिएबल्स, मेंबर्स जो होते हैं, हम उसको भी अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह से फाइनल में करते हैं। ठीक, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास हम कोई भी बना सकते हैं, जैसे कि फ्रूट, जिसने फ्रूट नाम की क्लास बना दी। ठीक, इसे ओपन हमने किया, और ओपन करने के बाद हम इस क्लास के जो मेथड्स होंगे, ठीक, तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने सो नाम से इसका भी मेथड बनाया। ठीक, और इसका क्या रूल होता है, अब्स्ट्रैक्ट का रूल ये होता है दोस्तों कि जो ये हमने मेथड बनाया है अब्स्ट्रैक्ट मेथड अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, तो उसे इसी क्लास में नहीं देंगे हम, क्या इसकी डिफिनीशन नहीं देंगे, इसको एक्सटेंड करना कंपलसरी होता है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी दूसरे क्लास में, उसके यानी सब क्लास में एक्सटेंड करना कंपलसरी होता है, और जबकि फाइनल क्लास में एक्सटेंड करना ही नहीं होता, कर ही नहीं सकते हैं। तो सेम फाइनल का उल्टा होता है अब्स्ट्रैक्ट। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, और इसे हमने क्लोज कर दिया इस क्लास को। अब हम जब दूसरी क्लास बनाएंगे तो अब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, यदि अब्स्ट्रैक्ट होता है तो इसे एक्सटेंड नहीं करेगा, और यदि नॉर्मल होता है या दूसरा क्लास होता है, अब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इसकी डिफिनेशन वहीं पर दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। हमने एक दूसरी क्लास बना दी, क्या नाम से, बार नाम से ओपन किया, या कि मेन नाम से बना देता हूँ। ठीक, मेन नाम से बनाया या इसे ओपन किया, मेन नहीं, सब वन। ठीक, ये इसका सब वन। ठीक, और ओपन करके हम इसी मेथड को क्या करेंगे, जो मेथड, और इसे ओपन करके इसकी परिभाषा नीचे यानी सब क्लास में देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैल्यू ऑफ ये, हमने इस मेथड को क्लोज कर दिया, इस क्लास को क्लोज कर दिया। और ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इसलिए सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम बता देते हैं कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लास नाम याद रखिएगा, सब्जेक्ट सब वन, ठीक है, ये आप बता दे रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्लास नाम की जरूरत पड़ती है, तो सब वन ऑब्जेक्ट नेम दे दो, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब एक क्लास नेम है जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट का कोई भी वन कर देते हैं, ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी नाम ले सकते हैं, न्यू एक ऑपरेटर है, और सब मेथड। ठीक, अब ऑब्जेक्ट से हमने कॉल कर दिया वन डॉट सो, अब हमने इस क्लास को क्लोज कर देना है, ये यहाँ पे क्लोज ना होकर ये क्लास यहाँ पे क्लोज हो। तो ये आपको समझ में आ गया कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, और इस किसके ऑब्जेक्ट, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, जबकि जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो एक्सटेंड होती है। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंड होंगे, क्या एक्सटेंड, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास ये अब्स्ट्रैक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे, इनहेरिट नहीं करेंगे, तो वो कैसे समझेगा उसके मेंबर को। तो ये अब्स्ट्रैक्ट जरूरी है समझना। अब हम आपको बताएंगे ग्रेट थ्योरम में कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कल। ठीक, आपको आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लास, फाइनल क्लास अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास और फाइनल क्लास क्या होता है।
तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप पहले विजिटर हैं तो। इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएँ। दोस्तों कमेंट में आप बता सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचे कि ये क्या होता है। तो आप इसे एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, ये एक नैपा स्ट्रेक्ट क्लास है जिसे हम एक्सटेंड करते हैं उसके सब क्लास में। ये एक्सटेंड कीवर्ड्स यानी इनहेरिटेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इनहेरिटेंस वाला यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इनहेरिटेंस वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए कल, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो, ठीक है। और ये जो है कि मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट एलन का है, और ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है और कुछ नहीं है इस प्रोग्राम में दोस्तों। इसी तरह से फाइनल का है कि हम फाइनल कर देंगे तो हम इसी मेथड को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इसकी परिभाषा हम यहीं पर देंगे। और ऑब्जेक्ट इसी का बनेगा जो फाइनल क्लास होगा, और उसके सब क्लास का भी बनेगा यदि हम उसमें कोई मेथड या फंक्शन बनाते हैं तो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बिजटेक को सब्सक्राइब करिए और हमारे वेबसाइट easytechtuts.wordpress.com पे विजिट करिए। आपको वहाँ पे जावा के सभी ट्यूटोरियल मिलेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी हमारी वेबसाइट की, जिसके कारण आप जावा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं बड़े ही सरल शब्दों में, और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।